है वो पठान ऐसे भी फ्लॉप होने वाला है, लिख के रख लीजिए। किसी को हिट कराना है तो आ जाए, चैलेंज लगा ले। एक बार जो है चैलेंज लगा था। कहां से आते हैं? कमेंट्स करेंगे यार, ये लड़की हिंदू मुसलमान कर रही है, आज ये तो पैसे पे आ गई, तो भाई तेरे को पैसे नहीं चाहिए? प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। अपील करना चाहता हूँ अपने हिंदुस्तान के नौजवानों से, कल 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, अपने हाथ में एक तिरंगा लेकर जरूर इस फिल्म को देखने आए। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान की पठान मूवी वन बाय वन करके इतिहास रचते जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 4 दिन में ये कमा चुके 500 से 550 करोड़। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं पठान के बारे में बोलने वाले, वो लिख के देने के लिए तैयार था कि हम पठान भी कभी भी किसी भी सूरत में सुपर डुपर हिट होने नहीं देंगे या होगा नहीं। आप लिख के ले लीजिए, ऐसा कहने वाले खास करके पत्रकार को, ऐसा कहने वाले खास करके लोगों को, हम उन पर तरस आता है कि आखिरकार आप बेगर सोचे समझे किसी के ऊपर कमेंट करने लगते हैं, पब्लिकली कमेंट करने लगते हैं, बोलने लगते हैं किसी भी सूरत में ये मूवी सुपर डुपर हिट नहीं हो सकता। जो लोग खास करके ये लोग कह के बायकॉट कर रहे थे कि शाहरुख खान के पठान मूवी में दीपिका पादुकोण जो खास करके पहनी हुई है क्या पानी, अब जानते हैं भगवा कलर का बिकनी, उनको लेकर बायकॉट के सिलसिला जारी हुआ था। लेकिन उल्टा ही शो फ्लॉप हो गया और शाहरुख खान का पठान मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुआ दोस्त।